जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत ककर वाहा बस स्टैंड पर ट्रांसफार्मर कई महीनों से खराब, लगभग 12 से 18 महीने पड़ा खराब। लाइट के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस पर बिजली विभाग का कोई ध्यान नहीं है, बड़ी ही लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन मौन। वहीं आपको बता दें कि काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिसमें सीताराम राय, अनिल सैनी, उन्दी कौशल्या, महाराज राम, किशोर राय आदि मौजूद रहे। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ से एमपी ब्यूरो कमल राजपूत की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? राहुल जैन। कहाँ से हो? करवाहा। क्या समस्या है? ये ट्रांसफार्मर 15 से 18 महीने से खराब है, इस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही बदला जा रहा है। आपने किससे कार्रवाई की? हमने विधायक जी को अवगत कराया, वार्ड साहब को अवगत कराया और लाइनमैन के द्वारा अभी 3 से 4 बार लिख के दे दिया गया है OTP चेंज की जाए। लाइट्स हैं, काफ़ी परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर रात को घर जाती है, फिर निकाल के लिए भी। कहाँ से हो? ककरवा। क्या नाम है? राहुल कुमार जी। क्या समस्या है? ट्रांसफार्मर खराब है। कितने माह से? 1 साल से ज़्यादा हो गया। किसी से आपने बोला नहीं? सबको पता है, वाजी साहब को पता है, लाइनमैन को पता है, डी साहब को पता है, जनप्रतिनिधियों को भी पता है, मेन बस स्टैंड का है। अभी सही नहीं हुआ है? नहीं। क्या चाहते हो? बदला जाए ट्रांसफार्मर, केबिन चेंज हो। केबिन भी खराब है क्या? केबिन बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्ट है, डेली रात के घलती है। हम तो मोहल्ला वाले सुधारते हैं। कोई मिस्त्री वगैरह नहीं आते? नहीं, कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर रात को। मिस्त्री खुद परेशान है, केबिन इतनी ज़्यादा खराब होती है। वाशी साहब ने आपने बोला नहीं कि केबिन चेंज करवा दूँ? कई बार बोला, वाशी साहब आश्वासन देते हैं कि करा देंगे, होता नहीं। We'll be right back.